हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में यह बताया था कि ड्रम ब्रेक सिस्टम कैसा काम करता है, जिसको मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन ड्रम ब्रेक सिस्टम जब यूज़ किया गया तो उसमें हमको एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये देखने को मिला कि जो फोर व्हील ड्राइव होते हैं, यानी कि जैसे फोर व्हीलर हो गए या फिर बड़ी गाड़ियां हो गई, तो उसमें हर एक व्हील पे आपके जो ड्रम ब्रेक को अप्लाई किया जाता था तो उसकी जो ब्रेकिंग एक्शन रहती थी वो साइमल्टेनियसली नहीं रहती थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया तो फ्रंट व्हील पे उसमें ब्रेक की टाइमिंग अलग रहती थी और पीछे वाले व्हील पे ब्रेक की टाइमिंग थोड़ी सी अलग रहती थी। टाइमिंग इन द सेंस जो एक्शन था वो साइमल्टेनियसली नहीं था, वो एक साथ सबकी इक्वली नहीं थी, वो इधर उधर उसकी ऑर्डर चेंज हो जाती थी या फिर थोड़े से टाइम की लैग होने लग गई। तो ये सारी चीजें उस ड्रम ब्रेक में देखने को मिला। क्या कारण था? तो ये कारण था कि ड्रम ब्रेक, जैसा कि आप यही देख सकते हैं, यही है हमारा ड्रम ब्रेक। तो क्या होता था कि सपोज मान लीजिए ये आपके फोर व्हीलर के आपके फ्रंट व्हील एक्सिस ये हैं और आपके रियर व्हील एक्सिस ये हैं, तो रियर व्हील एक्सिस में दो ब्रेक लगे हुए हैं और फ्रंट व्हील एक्सिस में दो ब्रेक लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों मतलब चारों पहियों पर। तो ड्रम ब्रेक सिस्टम ये देखा गया कि जो प्रॉब्लम आई ड्रम ब्रेक सिस्टम पे और क्यों प्रॉब्लम आई, तो ये कि यहाँ पे जब अप्लाई होता था तो ये यहाँ जानते हैं आपको होता है यहाँ पे ब्रेक लाइनिंग, ठीक, ये होती है ब्रेक लाइनिंग। और जब ब्रेक शू अप्लाई करते मतलब ब्रेक अप्लाई करते थे तो ये इधर एक्सपांड होता था और जाके इस ड्रम से वो फोर्सफुली अटैच होता था, जिससे हमारी गाड़ी रुक जाती थी और अल्टीमेटली ये कहना चाहिए कि मोशन हमारा रुक जाता था। तो ये चीज़ और ये चीज़ हो सकता था, यहाँ पे जो ब्रेक शू है इसमें वियर एंड टियर हो गया हो सकता है ये ब्रेक शू एकदम नया हो, तो नए और पुराने में कुछ तो फर्क रहेगा। इस कारण से इसकी जो एक्शन टाइमिंग थी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी। इसकी वजह से फिर हमने यूज़ किया हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, क्योंकि ये हमको प्रॉब्लम देखने को मिला, तो हमने फिर यूज़ किया हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, जो कि ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का ही वर्किंग है। अब हम मैं बताता हूँ कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है और इसके हमारे क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में इस पूरे सिस्टम में भरा होता है ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड मतलब एक प्रकार से लिक्विड है जो कि ब्रेक फ्लूइड होता है, और वो ब्रेक फ्लूइड हमारे इस पूरे पाइप से पास होता है। पास मीन्स इन द सेंस इसमें भरा ही होता है वो, क्लियर। इसके बाद ये हमारे पूरे पाइप में, यानी कि चारों ब्रेक पे, हमारे चारों ब्रेक सिस्टम पे हमारे ब्रेक फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम काम कैसे करता है, अब ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर का काम क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे ब्रेक पैडल पे फोर्स अप्लाई किए, यानी कि अपना पैर दबाए, तो ब्रेक पैडल अप्लाई करते साथ ही ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है पिस्टन, ठीक। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो पिस्टन मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है स्प्रिंग, आप देख सकते हैं, तो स्प्रिंग दबेगा, और स्प्रिंग दबेगा इट मींस कि पिस्टन आगे बढ़ेगा। स्प्रिंग अगर दबेगा और आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो पिस्टन आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा तो होगा क्या कि यहां पे जो फ्लूइड भरी हुई है, मैं लिख देता हूं, ब्रेक फ्लूइड जो है जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है सारे पाइपलाइंस में, तो जब ये स्प्रिंग आपका इधर मूव करेगा तो यहां पे बहुत हाई प्रेशर जनरेट होगा। और आपको पता है पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ आपको मालूम होगा, नहीं पता है तो मैं ये बता देता हूँ। पास्कल लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड चैम्बर में अगर उसमें कोई लिक्विड भरी हुई है, उसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और अगर आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सभी जगह पे इक्वली लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप यहां से फोर्स अप्लाई किए तो हो सकता है यहां पे आपका 20 किलो पास्कल का प्रेशर अप्लाई हो रहा हो सकता है यहां पे आपका 10 किलो पास्कल का प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि पास्कल लॉ ये कहता है कि ये क्लोज्ड चैम्बर है। क्लोज्ड चैम्बर है तो चाहे आप यहाँ इस वाले पॉइंट भी देखिए, चाहे यहाँ भी देखिए, चाहे यहाँ भी देखिए, चाहे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, हर जगह आपके जो ब्रेक है, यानी कि जो प्रेशर है वो आपकी इक्वली अप्लाई होगी। ये 20 है तो फिर ये भी 20 होगा डेफिनेटली, और ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, मतलब ईच एंड एवरी डायरेक्शन। पास्कल लॉ का लॉ ये कहता है कि किसी भी डायरेक्शन पे आपके जो अगर क्लोज चैम्बर में उसमें अगर फ्लूइड भरा हुआ है और अगर आप एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं फोर्स, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए यहाँ पे हमने इस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का काम किया। अच्छा, ये करने का रीज़न ये था कि जैसा कि मैंने बताया कि ड्रम ब्रेक सिस्टम पे आपका टाइम लैग का प्रॉब्लम होता था, लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में इसी को देखते हुए पास्कल लॉ ने ये तरीका अपनाया कि जैसे ही मैं ब्रेक पैडल अप्लाई करूंगा तो सभी जगह एट अ टाइम साइमल्टेनियसली सब जगह इक्वल आपने प्रेशर अप्लाई होंगे, जिससे मेरी ब्रेक की सिस्टम जो है, ब्रेकिंग एक्शन है, वो एकदम परफेक्ट होगी। एट अ टाइम अगर ब्रेक लगाता हूँ तो चारों के चारों पहियों के जो व्हील है, तो वहाँ पे जो ब्रेक लगा हुआ है तो वो एक्शन में आ जाएंगे, यानी कि अल्टीमेटली वर्किंग में आ जाएंगे। तो ये था आपका ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप यहाँ पे मतलब आपके फ्लूइड आती है
जब आप ब्रेक अप्लाई किए तो जो भी फ्लूड थी, जो भी प्रेशर थी, प्रेशर की मदद से यहाँ पे आया कैम पे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैम। अब ये कैम क्या होगा कि जब हाई प्रेशर आ रहा है यानी कि फ्लूड आपके इधर मूव करेंगे और ब्रेकिंग फ्लूड जब मूव करेगा दैट मीन्स कैम एक्सपांड होगा और कैम एक्सपांड होगा तो यहाँ स्प्रिंग की मदद से, स्प्रिंग की मदद से ये आपका ब्रेक शू इस वाले जैकेट ड्रम पे चिपक जाएगा और जैसे ही वो ड्रम पे चिपकता है तो आपके मोशन गाड़ी की रुक जाती है और यही एक्शन चारों ही व्हील पे होंगे। ठीक है, ये आपका जो फिगर है ये देख सकते हैं, ये आपका है फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील के दोनों ब्रेक हैं और ये है आपके रियर व्हील के, रियर व्हील के। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पास्कल लॉ के हमने मदद से इस तरीके से अरेंजमेंट किया और ऐसा हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जनरली हमारा इसकी जो एफिशिएंसी थी वो भी बहुत अच्छी थी क्योंकि इसमें हमारा जो वियर एंड टियर था वो ना के बराबर होता था, अगर होता भी था तो एट अ टाइम हमको चेंज करना पड़ता था। अच्छा, इसमें एक चीज़ की ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर ब्रेक लाइनिंग घिस जाती, सपोज मान लीजिए किसी एक का किसी कारणवश अगर घिस गया तो हमको फिर इस पूरे को सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर तो उतना आ रहा है लेकिन इसके एक्शन अच्छी नहीं होने के कारण से भी यहाँ पर टाइम प्रॉब्लम होती थी यानी कि इसके ब्रेकिंग एक्शन में हमको कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा देखने को मिलता था। तो इस प्रकार से हमको समय समय पे इसकी मेंटेनेंस भी करते रहना है और इसको चेंज भी करते रहना है। ये मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है, यहां से हम जैसे अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स मूव करता है, फोर्स मूव करने के बाद यहां कैम पे जाता है और कैम एक्सपांड होता है तो दोनों ब्रेक शू आपके इधर उधर जाते हैं और ड्रम पे चिपकने के बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई इंक्रीज होने के कारण यहां पे आपकी ब्रेक अप्लाई हो जाती है। तो ये था आपका हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग और ब्रेकिंग के जो टाइप्स हैं जिसमें से आपके वैक्यूम ब्रेक होते हैं, एयर ब्रेक सिस्टम, पावर ब्रेक सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम, इन सारे टाइप्स को भी हम करेंगे और भी जितने सारे ब्रेक सिस्टम हैं वो करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी सेंट्रल चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।